गर्मियों के मौसम में अक्सर हमारे पेट में गर्मी बढ़ जाती है, चेहरे पे पिंपल होने लगते हैं, चेहरे की चमक खो जाती है, बाल तेजी से झड़ने लगते हैं, मुंह में छाले हो जाते हैं और पेट में गैस बनती है, वीर्य पतला होने लगता है, बाल दिन पर दिन सफेद होते जाते हैं। तो इसका मतलब है कि शरीर में गर्मी बढ़ गई है, मतलब पित्त दोष बढ़ गया है। और ज्यादा पेट गर्म होने से खुजली, पेट में जलन, नक्सीर का आना, सूखा गला, बहुत ज्यादा पसीना आना, चेहरा दिन पर दिन सावला होना, ये सब पेट में गर्माहट के ही लक्षण होते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपके शरीर की सारी गर्मी बाहर निकल जाएगी और आप बिल्कुल ठंडा ठंडा कुल कुल फील करोगे। जैसा कि आप लोग जानते हो कि गर्मी बढ़ने लगी है और अगर कोई इंसान दिन भर धूप में काम करता है तो उसकी शकल के साथ साथ अकल के भी 12 बज जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है और अगर थोड़ा सा भी ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो हमें बुखार आ जाता है। बाहर की गर्मी से बचने के लिए लोग टोपी, चश्मा और छाता लगा लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शरीर के अंदर की गर्मी से कैसे बचा जाए? नंबर एक, शरीर की गर्मी को कम करने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण तरीका आपका खान पान। कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ तो होते हैं जिनका सेवन करने से आपके शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, तो वही कुछ का सेवन करने से आपको ठंडक महसूस होती है। ज्यादा तेल, मसाले और खट्टी चीजें नींबू आंवला को छोड़कर हमारे शरीर में गर्मी बढ़ाती है। तो अगर आप ऑलरेडी शरीर की गर्मी से परेशान है तो मिर्च मसाले वाले खान पान का सेवन करने से बचे। प्रिजर्वेटिव से भरे पैकेट्स भी नुकसानदायक साबित हो सकते हैं, इसीलिए इसे भी आपको अवॉइड करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर मीठा और कड़वा खाना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि ये शरीर को ठंडा करने में मददगार होता है। आप मिठाइयों का आनंद ले सकते हैं, लेकिन मिठाइयों को बनाते वक्त आप रिफाइंड शुगर की जगह पर शक्कर या फिर धागे वाली मिश्री का उपयोग करना है। खूब पानी पिए, लेकिन फ्रिज का पानी पीने से बचे, क्योंकि इसका सेवन करने से आपके शरीर में गर्मी बढ़ जाएगी। घड़े का पानी पिए, ड्राई फ्रूट्स कम खाए और जब खाए तो पानी में भिगोकर खाए। फ्रूट्स का सेवन करें, इनमें पानी की मात्रा पहले से मौजूद होती है, जैसे कि तरबूज, खरबूजे, खीरा, लौकी, करेला, ये सब शरीर से पित्त का प्रकोप कम करने के लिए असरदार होते हैं। बॉडी हीट को कम करने के लिए नारियल पानी पीना चाहिए। रिफाइंड ऑयल की जगह खाने में घी का इस्तेमाल करना है। अपनी डाइट को बैलेंस रखना है और इन सभी तरीकों को अपनाकर देखिए, कुछ हफ्तों में आपको असर साफ नजर आ जाएगा। नंबर दो, शरीर की गर्मी को बाहर निकालने का दूसरा इफेक्टिव मेथड है राइस वाटर। चावल के पानी को आयुर्वेद में तंदुलोत्का कहते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में स्टार्च होता है। इसमें कई एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए काफी उपयोगी है। राइस वाटर को शरीर और पेट से गर्मी निकालने के लिए प्रभावी माना जाता है। इस मेथड को अपनाने के लिए करीब 10 ग्राम चावल लेना है और इन्हें थोड़ा सा कुटकर एक मिट्टी के बर्तन में रख लेना है। अब इसमें आधे कप से थोड़ा सा पानी डालें। इस मिश्रण को करीब 5 से 6 घंटे तक ढक के रखना है। इसे छानने के बाद फिर पी लेना है। ध्यान रखना है इस पानी को फ्रिज में ना रखें और बर्फ भी ना मिलाए। इस मिश्रण को बिल्कुल ऐसे ही पी लेना है। इस पानी को खाने से आधे घंटे पहले पीना काफी असरदार साबित होता है। अच्छे रिजल्ट के लिए इस पानी को दिन में 2 बार पिए। चावल के पानी में विटामिन डी काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिससे यह मुंह के छाले दूर करने में कारगर साबित होता है। इसके अलावा राइस वाटर को इंस्टेंट कूलर भी माना जाता है, जो ब्लडिंग डिसऑर्डर्स, यूरिन एंड पेन, स्किन रैशेस, हेयर फॉल, एसिडिटी, इन जैसी समस्याओं से छुटकारा पाने में सहायक होता है। अच्छे रिजल्ट्स के लिए आप अनपॉलिश्ड सेमी ब्राउन राइस का उपयोग कर सकते हैं। नंबर तीन, शरीर और पेट की गर्मी दूर करने के लिए आप चंदन पेस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चंदन पेस्ट में शरीर को ठंडा करने की जबरदस्त क्षमता होती है। भारत देश में पुराने समय से ही चंदन का उपयोग शरीर की गर्मी को निकालने के लिए किया जाता है, लेकिन जब से मार्केट में केमिकल वाले कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आए हैं तब से लोगों की बैंड बजी पड़ी है। चंदन पेस्ट बनाने के लिए आपको बस 2 चीजों की जरूरत होती है, जो कि आसानी से कहीं भी मिल जाती है, चंदन पाउडर और गुलाब जल। इन दोनों को मिक्स करके एक पेस्ट बनाना है और अपने माथे पे लगा लेना है। शुद्ध चंदन इतना असरदार होता है कि बहुत जल्दी दिमाग, शरीर और नर्वस सिस्टम को ठंडा करने में मदद करता है। ये फोकस बढ़ाने में भी मदद करता है। एग्जाम्स के दिनों में आप इसे ट्राई कर सकते हैं। अगर आप चेहरे पर पिंपल, रेसेज और खुजली से परेशान हैं, तो उन जगह पर भी चंदन पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत जल्दी आपको इसका असर नजर आएगा। चंदन पाउडर आसानी से आपको बाजार में मिल जाएगा। नंबर चार, शरीर को ठंडा करने के लिए सीताली ब्रीथ का भी प्रयोग कर सकते हैं। सीताली ब्रीथ को
कूलिंग ब्रीथ भी कह सकते हैं। शरीर की गर्मी से इंस्टेंट राहत पाने के लिए आप इस मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। ये एक योग टेक्निक है जो शरीर की गर्मी से राहत दिलाने में मददगार साबित होती है। आप किसी भी आसन में बैठ जाइए, दोनों हाथों को घुटनों पर रख कर अपनी जीभ को बाहर निकालना है और ट्यूब की तरह दोनों तरफ से फोल्ड कर लेना है। मुंह से लंबी सांस लेना है और नाक से सांस को बाहर छोड़ देना है। आप इसे कम से कम 8 से 10 बार कर सकते हैं। इस योग आसन को आप कुर्सी या बेड पर बैठकर भी कर सकते हैं। इस योग टेक्निक को फॉलो करते समय आपको एक कूलिंग सेंसेशन महसूस होगी। इस मेथड को एक बार जरूर ट्राई करके देखना। नंबर 5, शरीर को ठंडा करने के लिए जरूरी है हाइड्रोथेरेपी। इसके लिए पहले आपको एक बाल्टी लेना है। आधी बाल्टी पानी को ठंडा करने के लिए थोड़े बर्फ के टुकड़े मिला देना है। बर्फ के साथ पानी में थोड़ा सा गुलाब जल भी डाल देना है। अब ठंडे किए गए इस पानी में अपना पैर 15 से 20 मिनट तक अच्छे से डुबो के रखना है। साथ ही बीच में एक दो बार अच्छे से अपने पैरों की मसाज भी करना है। मैं आपको बता दूं कि हमारे पैरों की नसें शरीर के बाकी हिस्सों से जुड़ी होती है और हाइड्रोथेरेपी से हमारे शरीर में ब्लड फ्लो बढ़ता है और टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, जिसकी वजह से गर्मी बहुत जल्दी हमारे शरीर से निकलती है। इसलिए कोल्ड फूड बाथ बहुत ही बढ़िया तरीका माना जाता है शरीर को ठंडा करने के लिए। शरीर की गर्मी दूर करने के साथ ही इस मेथड को अपनाने से आपके दिमाग को भी शांति मिलेगी। इस मेथड को प्रयोग करते करते आप कोई किताब भी पढ़ सकते हैं। वैसे तो इस तरीके का प्रयोग कभी भी किया जा सकता है, लेकिन रात में सोने से पहले हाइड्रोथेरेपी करना ज्यादा लाभदायक होता है। इसे अपनाने से आपके शरीर में से गर्मी तो निकलेगी, साथ ही साथ आप अच्छे से सो भी पाएंगे और अगर अच्छी नींद आ गई तो बॉडी की सारी गर्मी अपने आप बाहर निकल जाएगी। और दोस्तों, इतना सब करने के बाद भी अगर आपके शरीर की गर्मी कम नहीं हो रही तो हो सकता है आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।